अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शबे बारात की नफल नमाजे के बारे में और तरकीब और फजीलत के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। दोस्तों आप सभी से मेरा गुजारिश है कि वीडियो देख के दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि शबे बारात आने से पहले हर मोमिन को ये बात मालूम हो। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों दो रकात नफल का तहयुज वज़ू पढ़िए। तरकीब इसका है कि हर रकात में अलहम्दो के बाद मतलब सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़िए, तीन बार कुल हो अल्लाहो अहद पढ़िए। दोस्तों इसका फजीलत है कि हर कतरह पानी के बदले 700 रकात नफल का सवाब मिलेगा। दोस्तों फिर आप दो रकात पढ़िए। तरकीब इसका है कि हर रकात में अलहम्दो मतलब सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़िए, 15 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़िए, सलाम के बाद 100 बार दरूद शरीफ पढ़िए। दोस्तों इसका फजीलत है कि रोज़ी में बरकत होगी, रंज और गम से नजात मिलेगा, गुनाहों की बख्शिश मगफिरत होगी। दोस्तों अगर आप 8 रकात नमाज पढ़ते हैं तो इसका तरकीब है कि दो दो रकात करके पढ़िए, हर रकात में अलहम्दो के बाद 5 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़िए। दोस्तों इसका फजीलत है कि गुनाहों से पाक और साफ होगा, दुआएं कबूल होगी और सवाब अजीम होगा। दोस्तों अगर आप 12 रकात नमाज पढ़ते हैं तो दो दो रकात करके पढ़िए। इसका तरकीब है कि हर रकात में अलहम्दो मतलब सूरह फातिहा के बाद 10 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़िए, 12 रकात पढ़ने के बाद 10 बार कलमाए तौहीद पढ़िए, 10 बार कलमाए तमजीद पढ़िए, 10 बार दरूद शरीफ पढ़िए। दोस्तों अगर आप 14 रकात नमाज पढ़ते हैं तो दो दो रकात करके पढ़िए। दोस्तों इसका तरकीब है हर रकात में अलहम्दो के बाद जो सूरह चाहे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसका फजीलत है कि जो भी दुआ आप मांगेंगे वो कबूल होगी। दोस्तों अगर आप 4 रकात नमाज पढ़ते हैं तो एक सलाम से पढ़िए। तरकीब है कि हर रकात में अलहम्दो के बाद 50 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़िए। दोस्तों इसका फजीलत है कि गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे अभी आप माँ के पेट से पैदा हुए हों। दोस्तों अगर आप 8 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं तो एक सलाम से ही पढ़िए। इसका तरकीब है कि हर रकात में अलहम्दो के बाद 11 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़िए। इसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फातिमातुज़्ज़हरा की रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नज़र करे। दोस्तों इसका फजीलत है कि आप फरमाती हैं कि नमाज पढ़ने वाले की शिफायत किए बिना जन्नत में कदम नहीं रखूंगी। दोस्तों हम आपको एक और बात बता दें कि अगर आप शबे बारात के दिन रोजे रखते हैं तो रोजे की फजीलत क्या है, तो चलिए दोस्तों हम इसमें बताते हैं। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने सब्बान में एक दिन रोजा रखा उसको मेरी शफाअत हलाल होगी। और एक हदीस शरीफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शब्बान की 15 तारीख को रोजा रखेगा उसे जहन्नम की आग से छुटकारा मिलेगी। तो दोस्तों हर अच्छी बात और हदीस आपके पास अमानत होती है, अमानत को जितना जल्दी हो सके दूसरे तक पहुंचा देना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप इन बातों को सुनकर सिर्फ अपने तक ही ना रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं। उम्मीद है कि जिन जिन तक यह बात पहुंचेगी वह इस बात पर अमल करेंगे और अल्लाह पाक उन्हें तौफीक देंगे कि वह इस अमलात को। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना हमें प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।